हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस आ चुका हूं। तो आज मैं दोस्तों डेटॉन इंक्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं, अगर आप सभी ने डेटॉन का ये इंक इस्तेमाल किया होगा, एक्स्ट्रा फाइन फाउंटेन पेनिंग, और मैंने 15 बॉटल्स का जो मैंने मंगाया था, जैसा कि आपने देखा है मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो में, 15 बॉटल्स जो है मैंने मंगाया था। बट उसको ओपन करना है दोस्तों एक जो है बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने इतने सारे ओपन कर लिए थे, पर इतने ओपन करना बाकी है। और आप सभी को एक ईजी ट्रिक बताऊंगा ओपन करने का। तो पहले मैं क्या कर रहा था, मैं इसे किस इस चीज़ को जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये चीज़ है, इस चीज़ को किसी भी औजार से मैं इसे पकड़ रहा था और इसे खींच रहा था। प्लायर से मैं इसे पकड़ रहा था और खींच रहा था। इससे क्या हुआ था, इंक जो है स्पिल हो जा रहा था, क्योंकि जब मैं इसे खींच रहा था तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा था। और जब ये निकलता था तो झटका मारता था, पूरा झटका लगता था और यहाँ पे पूरा इंक जो है स्पिल हो जाता था। और मैंने जो है कल इंक भी स्पिल कर दिया था, और क्या कहते हैं, वायलेट कलर का जो है मैंने इंक जो है स्पिल कर दिया था। तो उसी के चक्कर में जो है, और भी मुझे फिर जो है मैंने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया, कि जो कि यहाँ से मैं यहाँ पे कुछ शार्प चीज़ें डालता था, और इसे जो है मैं जो है इसे शार्प चीज़ें डालकर यहाँ पे जो है स्पेसिंग बनाकर इसको फंसा कर जो है इसे खोलता था। इसमें भी जो है मुझे काफ़ी सारे इंजरीज हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे इंजरी हो गई। और दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा इंजरी यहाँ पे भी हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजरी हुआ है। तो बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं इतना जो है टाइट सील क्यों दिया गया है। बट हर चीज़ का एक आसान तरीका होता है, इसका भी मैंने आसान तरीका ढूंढ निकाला है। तो आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे फंसाना है। इसको देख सकते हैं, मैं आपको अभी फंसाता हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा ट्रिकी है, एक बार में काम नहीं करेगा, आपको ध्यान से फंसाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से फंसा लिया, इसे टाइट से एकदम पकड़ ले और इसे जस्ट घुमाने की कोशिश करें। ये एक बार में नहीं होगा। और ये जो है प्लायर्स मेरा बहुत ही बेकार क्वालिटी का है, कुछ पकड़ता ही नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसे बहुत मुश्किल से फंसाया है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे ये फंस जाएगा। और इसे देख सकते हैं ये सील कितना टाइट सील है, कि जब भी मैंने इसे थोड़ा सा घुमाया तो ये इंक स्पिल करने लगा। देख सकते हैं आप, इसको इसे घुमाना है, देख सकते हैं आपको इसे जस्ट घुमाना है और ये काफ़ी ईजिली जो है निकल जाएगा। देख सकते हैं ये निकल गया। फिर जो है मैं एक और सील आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो इससे सीखते सीखते मैंने काफ़ी सारे बॉटल्स को जो है ओपन किया है बाई यूजिंग किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का, जैसे कि मैंने इसका इस्तेमाल किया था। गैप बनाकर खोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, काफ़ी टाइम टेकिंग था वो, इसलिए जो है मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया। और देख सकते हैं यहाँ पे एक और बॉटल का जो है मैं इस्तेमाल करूँगा, इसी टेक्निक से जो है मैं इसे खोलूँगा। देख सकते, पता नहीं इतना टाइट सील क्यों दिया गया है, ये कुछ डेटॉन की तरफ से मुझे समझ में नहीं आया। इतना टाइट सील की कोई ज़रूरत नहीं थी, खैर दिया गया है तो कोई बात नहीं। देख सकते हैं इसे भी मैं खोलूँगा ऐसे ही, इसी की तरह इसी का इस्तेमाल करके। देख सकते हैं ये खुल गया, तो काफ़ी इजीली ये भी बाहर आ गया। और एक और बॉटल का जो मैं खोलूँगा अभी, तो इतना टाइट सील देने का कोई मतलब नहीं है। सील दिया जाना था तो एक ऐसा सील दिया जाता जो कि आसानी से खुलता, बट ये बहुत ही मुश्किल था खोलना, और बहुत ही जो है जुगाड़ लगा के इस ट्रिक को जो है मैंने सीखा। और अभी जस्ट पता चला, तो सोचा कि आपके हेल्प के लिए मैं इसको वीडियो बना दूं। और देख सकते हैं ये भी खुल गया। ये थी इसकी जो ये ट्रिक थी। तो अगर आपको इसे खोलने में दिक्कतें आ रही थी, तो अब जो है ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। पर इतना जो है टाइट सील देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पता नहीं क्यों डेटॉन ने ऐसा किया, इतना जो है टाइट सील दिया गया। और ये तो एक परेशान करने वाली चीज़ है, और बहुत जो है इस चीज़ ने मुझे परेशान किया। खुल ही नहीं रहा था कोई, जब मैं अपने फर्स्ट बॉटल को जब मैंने खोला तो मैंने इस मेथड का इस्तेमाल किया, कि मैंने बीच वाले को इस प्लायर से पकड़ लिया और फिर खींचा, तो फिर पूरा इंक जो है स्पिल हो गया। तो इतना टाइट सील देने की कोई ज़रूरत नहीं थी,
यहाँ पे, और ये येलो इंक है, इसे भी जो है मैं फंसाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे भी जो है कभी कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए ये खुल गया, पता नहीं इतना टाइट सील क्यों दिया गया है। और कुछ इंजरीज़ के बाद ही जो मुझे इस ट्रिक का पता चला, तो कम से कम पैक में लिख देते कि सील को कैसे ओपन करना है, कम से कम कुछ बता देते, तो ये भी उन्होंने नहीं कहीं मेंशन किया कि सील को कैसे ओपन करना है। तो ये भी जो है बहुत एक अच्छी बात नहीं लगी मुझे। बाकी इंक की क्वालिटी तो ठीक ठाक है, बट ये जो सील है बिल्कुल रबिश टाइप का जो है सील दिया गया है इसमें, और इसे खोलना बहुत ही मुश्किल था। और जो है कई लोगों के जो है मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे इस इंक के रिव्यूज़ में कि जो सील है बहुत ही हार्ड टू ओपन है। तो खैर ये रहा इसका वीडियो, और मैंने आप सभी को दिखाया कि सील कैसे ओपन करते हैं इस डेटॉन इंक का। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलता दोस्तों, मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अभी और 2-3 बॉटल्स है, उनका सील खोलने बाकी है। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।